करते हैं उसके ईश्वर के आपको के दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छे हैं। तो आज जैसे कि मतलब आज है 13 तारीख और कल मतलब हमें 12 बजे लग जाएगी 14, तो आज जैसे कि 12 बजे लगेगी मेरी अम्मी की मतलब हमारे पिता की अम्मी की बर्थडे। वालेकुम गाइस, तो अभी हम लोग आए केक लेने के लिए, तो हमने यहाँ पे शुरू किया ब्लॉग अभी, तो हम लोग देख रहे कौन सा फ्लेवर लेना। एक्चुअली मम्मी का फेवरेट जो मतलब पसंद है उनको वो है पाइनएप्पल और व्हाइट बस। तो चलो देखते। तो इधर पे एक है केक, ये वाला ये वाला हाँ, ये वाला केक है हाँ। तो देखते हैं अभी क्या। गाइस हम लोग इतना छुप छुप के निकले, अम्मी से मैंने बोली अम्मी को कि मेरे को ना वो क्रीम गुड्डे चाहिए, इधर पे मिलती नहीं कहीं पर, तो जाके लेकर आते करके, तो इसीलिए हम लोग इतना छुप छुप के निकले। तो फिर पैक हो रहा है केक एंड फिर बताते हम लोग। बोलो पैक हो रहा है अभी केक, तो अभी ये लेके हम लोग जाएंगे और मम्मी के सामने लेके जाऊंगी मैं। एक सामने सॉरी सामने नहीं ऊपर आंटी है, उनको बोला मम्मी तो वो रख देंगे घर पे अपने मतलब फ्रिज में रख देंगे मतलब वही। अब हम लोग अगर फ्रिज में रखेंगे तो हमें अगर खोल के देखे तो पूरा दिख जाएगा, तो इसीलिए हम लोग रखवा लेंगे। तो पैक भी हो गया है बस, मैसेज आएगा आपको है ना। इधर पे बहुत सारे पराठे केक भी ले लिए हैं हम लोग ने, पकड़ो जरा। सो गाइस हम लोगों ने ले लिए केक अभी, अब जा रहे हैं घर पर। घर पे केक नहीं रखेंगे, केक रख देंगे ऊपर। सो ऊपर बोले तो ये मत समझ मत कोट वाले, ऊपर मींस नहीं ऊपर जो आंटी रहते हैं उनके वहाँ पे हाँ। चलो आगे जाके मिलते हैं। बिल्कुल पता नहीं, हम भी खाना बना रहे हैं और हम बैठे हुए यहाँ पे। मम्मी वीडियो ब्लॉग्स। सो गाइस मम्मी का जैसे मैं आप लोगों को बताई कि मम्मी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मम्मी। अभी है टाइम है तो हाँ, तो आपको क्या लग रहा है अभी जैसे सरप्राइज कुछ लाए हो क्या? नहीं कौन है? कोई नहीं है तो बस अरे आपको इसके लिए मैं मम्मी आपको कितना मुश्किल से भी मैंने रेडी करी, आप तो रेडी भी कहाँ हो रहे थे। नहीं मेरे को पसंद नहीं है। क्यों? पहले थे शौक। चलो ठीक है गाइज मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी आगे का जो भी रहेगा देखते जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। 5 मिनट बाकी है अभी वैसे कैसा लगा आपका फेवरेट केक पाइनएप्पल? चलो मम्मी की थोड़ी बहुत फोटो ले लेते हैं अभी हम। सो गाइस मम्मी ने केक काट लिए है और मम्मी सब्सक्राइबर्स को भी तो खिलाओ ये मम्मी की तरफ से सब मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं मम्मी की तरफ से के ये आप सबको मैं खा लेती हाँ। और फिर कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? नहीं पता था ना, और मम्मी को ये भी नहीं पता था गाइस के
हम लोग केक ऊपर रखवाएंगे, वो बाद में पूछे कि केक कहाँ रखे थे तुम लोग, तो मैंने बोली ऊपर। वो शॉप हुए उनको पता नहीं था मेरे को, वही ना। हाँ, और हम लोग ने मतलब व्लॉग जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि केक की शॉप पे हम लोगों ने चालू कर दिए थे, उनको ये भी नहीं मालूम कि व्लॉग चालू है कब से, अभी पता चला। तो चलो नॉर्मली बैठी हुई थी। तो अभी सबके फैमिली में जितने भी लोग हैं सबके कॉल भी आ रहे, तो कॉल अटेंड किए, मम्मी ने बात की है, अभी और भी आएंगे, अभी तो शुरू है बर्थडे। तो किंदा भी मिली हुई मेरे साथ में। मैं मिली हुई बोले तो पूरा केक। हाँ वही तू ही निकाली, वो डब्बा फेंक दिए क्या, वो डब्बा नहीं फेंकना चाहिए। सो हेलो गाइज, अभी नेक्स्ट डे लग गया है, और जैसे कि मैंने आप लोग को बताई थी रात में कि मम्मी का बर्थडे है और अभी भी है ही, तो बस अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं बाहर, तो हम लोग कहाँ जा रहे हो आप लोग देखते जाओ, और वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू मम्मी। थैंक यू। चलो वही ना, अपन आए ना तो जब सामने से भागते हुए आई, जैसे बिछड़ी भी थी कितने दिन की, मैं उसको ढूंढ रहा था, तो हम लोग को देख के आई, वो किसको उस दिन मेडिकल में भी ऐसी कर रही थी, इतना प्यारा कुत्ता वहाँ पे था मेडिकल, भगाओ ना इकराबा, भगाओ ना इकराबा, यही चालू था। नहीं करेगी, चला अरे खड़ा हो ना, यहाँ से आ जाओ, यहाँ से चला। सो गाइस अभी देखते हैं किधर जाना है, यहाँ पे एक जगह है पापा बोल रहे हैं, हम लोग आए हुए अभी मरोल में। हाँ पापा, ये मरोली है ना, मरोली ये पुलिस कैंप के सामने, पुलिस पुलिस कैंप है, यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र के लोग है ना ट्रेनिंग के लिए आते इधर पे। अच्छा, ये हाँ ये जो है ना ये सामने पुलिस उप आयुक्त। अच्छा, गाँव गाँव से लोग आते मालूम इधर पे ट्रेनिंग के लिए। हाँ उसकी बाउंड्री उसकी हद वहीं से स्टेशन होती चली गई, वही रुकी है, आ रही अभी भी आ ही रही है। सो गाइज, ये एरिया में हम लोग काफ़ी टाइम के बाद आए थे, अभी इससे पहले हम लोग कब आए लास्ट टाइम, बहुत टाइम हो गया, जब तेरा चेकअप के लिए आए थे ना? मेरा हाँ एक्चुअली यहाँ पे एक हॉस्पिटल है सेवन हिल्स, वहाँ पे मेरा ओपीटी के लिए आते हम लोग, ओपीटी बोल रही हो, ओपीटी आते थे, मतलब आगे भी अभी साल भर हो गया, साल भर हो गया से भी ज़्यादा हो गया। तो पापा यहाँ लेके आए हम लोग को ये दिखाने के लिए, यहाँ एक्चुअली हमें फर्स्ट टाइम आए हुए। हाँ गार्डन है, जैसे कि हम लोग के एरिया में जो है श्याम नगर तालाब, जो मैंने हम लोग को इससे पहले भी बता चुकी हूँ, तो ये भी कुछ वैसी ही है, सिमिलर है दोनों, है ना, श्याम नगर का तालाब है वैसे ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉक करने का स्पेस अच्छा है। ये फर्स्ट टाइम है लेकिन यहाँ पे भले गए, ये एरिया जो है ये आर्य कॉलोनी का स्टार्टिंग एरिया है ये, और यहाँ पर पुलिस कैंप भी है, पुलिस कैंप में सारे महाराष्ट्र के लोग जो है ट्रेनिंग के लिए आते हैं, कंपनी मतलब स्टूडेंट जो है ना ट्रेनिंग के लिए, पुलिस के लिए जो मतलब भर्ती होते हैं, तो सारे के सारे लोग यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो आप पहले आए यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आए, मतलब आप आते हुए आपको यहाँ पे? हाँ मैं इसके पहले एक बार आया था, ऐसे घूमते घूमते अच्छा वॉक करने का स्पेस मस्त है, अच्छा मतलब ग्रीनरी है ना तो पीसफुल लग रहा है यहाँ पे, है ना सुकून है ना, एकदम ग्रीनरी और ये बीच में पानी ऐसा एकदम सुकून से आके यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। चलो एक बार मारते थे यहाँ पे ऐसा, तो हम लोग थोड़ा यहाँ पे वॉक कर लेते हैं अभी, एक राउंड मार लेते मतलब, फिर उसके बाद देखते हैं, ये दिखाने के लिए लेके आए थे ऊपर यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे चलते रहोगे तो खाली गोली घूमते रहोगे, नहीं तो एक बार एक राउंड लेके फिर एक ही राउंड में, दो तीन बोल थोड़ी ना बोल रही हूँ। और अभी किंजा को यहाँ पे बनाना है रील्स, तो चलो किंजा का रील्स बना देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। या
कटिंग चाय खाएगी केक बिस्किट सवारी रुको रुको पकड़ो ये आज चाय चाय कैसी रहती है पिए आपने सो गाइस चाय वाय पी ली है अभी और एक नंबर थी मूड फ्रेश हो गया एकदम नागौरी की चाय बोले तो ऑसम तो अभी चाय पी ली है थोड़ा खाते कुछ अभी जाके किंजा के पैरों में भी बहुत दर्द दे रहा है उसके पैर में तो गाइस जैसे कि हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में होटल में अभी कुछ खाने के लिए और मम्मी के बर्थडे से पापा की तरफ से कुछ खाने के लिए ट्रीट है तो वही तो अभी देखते हैं क्या क्या मतलब हम लोग जो मंगाएंगे मैं आप लोग को बताती हूँ क्या क्या मंगाए हैं क्यों अब उसको ठंडी ठंडी लग रही है ना तो क्यों ठंडी लग रही है उसको क्यों लग रही है उसको क्यों लग रही है देखो ठंडी किंजा अल्लाह सुबह से कुछ खाएंगे उसकी तबीयत खराब जैसी लग रही है उसको तो मैंने बोली थी घर पे खाना रखा खाती नहीं है घर पे खाना वो उसने घर का खाना छोड़ दिया घर पे खाना खाया कर ना किंजा हम बैठे हैं सो गाइस अभी तक आया नहीं है आएगा तो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या बोल रहे हो हाँ वो नहीं खाती उसकी वजह से उसको खा ना थोड़ा कुछ से एक तो खा तो गाइस हम लोग ने ये मंगाए अभी चिकन लॉलीपॉप शेजवान ड्राई यस और भी एक और एक स्टार्टर है वो आ रहा है ये प्रॉन्स खाएगी ना बेटा प्रॉन्स क्या ये शंघाई प्रॉन्स प्रॉन्स का साइज देखो अच्छा है साइज वगैरह सही है मैं लेता बात नहीं लोगों आया दशरथ आया चिकन क्रिस्पी ये है चिकन क्रिस्पी और ये मस्त है माशाल्लाह टेस्ट भी बहुत टेस्टी है आज आप लोग खाने के लिए आप लोग भी खाने के लिए आ जाओ गाइस अभी खा के हो गया स्टार्टर वगैरह सब अभी मैंने सिर्फ मेरे लिए चिकन फ्राइड राइस मंगाई हूँ सिंपल तो अभी वो टेस्ट करते हैं फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ उसका रिव्यू बस हाँ सो अभी ये टेस्ट कर रही हूँ गाइस मैं शेजवान चटनी भी है देखो हाँ इसे देख तो अच्छा ही रहा है चाइनीज यहाँ का बहुत अच्छा है बहुत टेस्टी मस्त है आप लोग भी विजिट करना है गाइस मैं आपको एड्रेस बताती हूँ अभी पहले खा लूँ उसके बाद सो गाइज अभी खाना वाना सब खा लिए हैं हम लोगों ने और मैं आपको पहले यहाँ पे जो हम लोग जहाँ बैठे थे मैं पहले आप लोगों को पूरा बता देती हूँ यहाँ का तो ये है वो ही रेस्टोरेंट जहाँ पे अभी हम लोग खा रहे थे यहाँ बैठ के और ये रेस्टोरेंट और होटल का नाम है चिली एंड अनियन चिली एंड अनियन होटल है और ये मरोल में लोकेटेड है हाँ मरोल मिलिट्री रोड नहीं पुलिस कैंप के जस्ट अपोजिट सामने है सेवन हिल्स हॉस्पिटल है उसके अगर लेफ्ट मारेंगे
स्ट्रेट जाना है, बस वहीं है रोड नियर सेवेंथ हॉस्पिटल और अपोजिट पुलिस कैंप। हाँ, और यहाँ का चाइनीज जो है एकदम बहुत टेस्टी है गाइस। जैसे कि मैंने आप लोग को बताई, हम लोग मैं खाते हुए भी आप लोग को बताया कि कैसा बना है, तो सब जितना भी चाइनीज हमने मंगाए थे अभी सब टेस्टी था गाइस। आप लोग भी आओ यहाँ पे और आके यहाँ विजिट करो और यहाँ का खाने का टेस्ट लो। मैं बाहर से भी दिखा देती हूँ गाइस आप लोग को। यही है वो रेस्टोरेंट, तो आप लोग देख लो बाहर से ऐसा दिखता है। और यही जस्ट सामने ऐसा रोड है इधर, और वो साइड सेवन हिल्स हॉस्पिटल है। सो गाइस जो जो हम लोग को खाना था हमने खा लिए, और बाकी का जो है ये सब हमने पार्सल ले लिए अभी। तो अभी जाते हैं घर। किंजा की हो रही है हालत ख़राब, तबीयत ख़राब है शायद उसकी, पकड़ो जाएगी। तो माशाल्लाह मम्मी की बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट भी हो गई, केक भी कट हो गया। अब जाते हैं घर। A few moments later. So guys, अभी हम लोग आ गए हैं घर पे, और माशाल्लाह मम्मी का बर्थडे बहुत अच्छे से मम्मी ने सेलिब्रेट कर लिए। और फिर बस ये वाला व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, मेरे वीडियोज़ को शेयर करना, और मुझे दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you.